इस बीच जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है चंडीगढ़ हरियाणा निवास, वहीं पर हमारे सहयोगी असीम बसी मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त जो हलचल है वो तेज हो रही है, गाड़ियों का मूवमेंट कुछ हुआ है, क्या अपडेट है असीम? जी हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ से अनिल विज जो हैं वो निकले हैं और बाकी अभी जो हमें सूत्रों के पता लग रहा है मीटिंग अभी अंदर हैं, खट्टर भी अंदर हैं, सभी एमएलए अंदर हैं, लेकिन अनिल विज निकले थे, बात करने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, वो निकल गए थे। बाकी अभी ये नाराजगी के संकेत तो नहीं है और ये नाराजगी के संकेत तो नहीं है? देखिए, मैं पहले भी कह रही थी कि कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार लगातार घिरी हुई थी और सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी ठीक है मुख्यमंत्री की, लेकिन गृहमंत्री अनिल विज की भी, और कहीं ना कहीं निशाने पर वो भी थे। ऐसे में विधायक दल की बैठक चल रही है और अनिल विज बीच से चले गए हैं, तो क्या माना जाए, इससे क्या संकेत और संदेश? डेफिनेटली स्पेकुलेटिव तो है थोड़ा सा भी, हाँ कोई ऐसी बात अंदर हुई हो जिससे वो निकल गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हरियाणा जो है हरियाणा सरकार बैकफुट पे है। नफे सिंह राठी का किस तरह मर्डर हुआ, उसके बाद हमने कुछ दिनों पहले देखा किस तरह एक बिजनेसमैन को मारा गया, और उसके अलावा किसानों ने भी बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए थे। सो आई थिंक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, उसके लिए जो अनिल विज जो हैं बींग जो पोर्टफोलियो उनके पास था वो बैकफुट पे थे, और क्योंकि वो अभी निकले हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मीटिंग चालू है अंदर और कब तक ये सीएलपी का लीडर चुनते हैं टाइम विल टेल, लेकिन बार बार वही सोर्स बता रहे हैं कि 4 बजे या 5 बजे तक राजभवन में उच्च सेरेमनी हो जाएगी। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर 4 से 5 बजे तक शपथ ग्रहण की तैयारी हरियाणा में नई सरकार को लेकर, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड से, जैसे जैसे अपडेट आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी अनिल विज उससे निकल गए हैं, अब इसको किस रूप में देखा समझा जाए क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, राकेश शुक्ला जी आप किस रूप में देख रहे हैं अनिल विज का, बैठक चल रही है और बैठक से निकल जाना? जी, वहाँ मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदारों में से एक थे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका नाम तो नहीं है, और दूसरी बात ये संकेत मिल रहा है कि वहाँ मुख्यमंत्री तय हो गया है। तीसरा जो संकेत मिल रहा है वो ये है कि सारा मंत्रिमंडल नया चेहरा आने वाला है, तो अनिल विज इसी वजह से गए कि जिससे ये वो नहीं आ रहे जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा हो, वो नए मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनने की स्थिति में नहीं है, स्वाभाविक है गुस्साए स्वभाव के व्यक्ति हैं, हाँ। और अक्सर उनका रिएक्शन जो आता था, हाँ। तो वो गुस्सा के रूप में ही सामने आता था, तो विधायक दल की बैठक छोड़ के जाना ये उनके रिएक्शन को दर्शाता है निगेटिव। ठीक, विजय जी, अनिल विज जो है जब से खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने तब से उनकी प्रतिद्वंदिता उनके साथ चलती रही है और वो लगातार पार्टी पर दबाव बनाते रहे, गृह मंत्रालय भी उन्होंने जबरन लिया था, लेकिन पिछले जो 2-3 साल में खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पिछले साल तो खासतौर से खराब निकला है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो जाहिर है कि उनके ऊपर भी नाराजगी हुई होगी और वो सोच रहे होंगे कि यदि मुख्यमंत्री का बदलाव होना है, नेतृत्व परिवर्तन होना है, तो कम से कम अब तो उनका नंबर आ जाए, और उनके बाहर जाने से मुझे लगता है जो राकेश जी बात कर रहे हैं कि उनका नाम तो कम से कम नहीं है। और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब होता है कि आपको नए चेहरे चुनने में आसानी होती है, कि बार बार से आपको जब शपथ ग्रहण हो तो नए चेहरे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर वही गुजरात वाला फॉर्मूला लागू होने वाला है, मतलब घर के सारे बदल डालेंगे, और ऐसे में जो मनोहर लाल खट्टर के लिए कहा जा रहा है कि वो तो लोकसभा चुनाव मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की उनकी तैयारी या उनके लिए एक रणनीति जो पार्टी ने तैयार की है, लेकिन ये अन्य वरिष्ठ नेता जो है क्या ये इनका गुस्सा दिखा रहा है कि अभी विधायक दल की बैठक चल रही है बीजेपी की और अनिल विज उस बैठक से निकल गए हैं, कयास लग रहे हैं? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।